गाइज, आपसे एक बात करनी थी। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इजी नहीं है कि आप पूरे घर का काम देखो एज अ हाउसवाइफ, उसके बाद सिर्फ व्लॉगिंग करो, फिर एडिटिंग करो। स्पेशली जो कि मतलब मैरिड होती हैं और उनकी फैमिली होती है, उनको उतना प्रमोशन नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे, उन्हें प्रमोट करेंगे, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि सिंगल को तो सभी प्रमोट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, और मेरी नींद पहले खुल गई। मैं आ गई किचन में अपने लिए गर्म पानी करने, और बस गर्म पानी करके पीऊँगी सुबह सुबह। तो आपको पता ही है कि थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट मिलती है गर्म पानी पीने से। और कल मैंने जो शॉपिंग की, उसकी वजह से ना मुझे सिर में थोड़ा दर्द हो गया था, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, ठंड लग गई। लेकिन जाना है तो जाना तो पड़ता ही है बाहर। तो गाइज, इधर चल रही है इन लोगों की ऑनलाइन क्लास। दोनों लोग अपनी क्लास कर रहे हैं, और कृषि के सर आजकल कुछ ज़्यादा ही इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और इधर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और इधर चल रहा है शिव जी का सॉन्ग, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ये सॉन्ग मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए आज जरूर ये लोग उसको लगाते हैं डेली ही। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, स्कूल और कॉलेजेस सब बंद हो गए हैं, इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई है। और ये लोग ऑनलाइन क्लासेस, इन लोग का चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस। मुझे तो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, वही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। और बच्चे घर में रह रहे हैं, और आवश्यकता से अधिक यानी कि पहले से ज़्यादा उपद्रव मचा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी ये कोरोना चला जाए, ये ओमिक्रोन चला जाए, बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस खुल जाएं। बच्चे कह रहे हैं नहीं। कृषि, तुम क्या चाहते हो? नहीं, मर जाए। अच्छा, मतलब नहीं खुले स्कूल? ना। ये तो हाल है, बच्चों का फ्यूचर एकदम बर्बाद हो चुका है, बच्चों का दिमाग भी बर्बाद हो चुका है। आई थिंक सो। बस बस यही घर है, आ जाइए। गाइस, दिन रात हम लोग का रिटर्न पिकअप चलता रहता है। तो अभी आ गए हैं पिकअप लेने के लिए, कुछ ऑर्डर है मेरा। दीजिए हाँ, रिटर्न करना है इसे, यही है वो प्रोडक्ट। अब ये चुपके से भाग रहा है, इसको देख के मिट्टी के पीछे पीछे भाग रहा है कि मम्मा कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं मुझे। क्यों? तुम, मुझे लग रहा है तुम बोर हो रहे हो बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम बहुत बोर हो रहे हो। तुम्हारा फुटबॉल में एडमिशन करा दे क्या? हाँ, करा दो। तो तुम फुटबॉल खेलो जा करके, बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है। तुम्हारा डांस में करा दे। अच्छा, जरूर। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें फुटबॉल ज्वाइन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम कभी लैपटॉप चलाओगे, कभी फोन छुपा के रखे रहते हो जेब में, कभी वो चलाते हो, तो इससे अच्छा है। और टीवी भी ऑन करके छोड़ दियो, टीवी ऑन है। ये क्या है हरकत? नहीं तो तुम एक काम क्या करो, कम से कम 5 घंटे पढ़ाई क्या करो। 5 घंटे देखो इधर, नहीं 5 घंटे पढ़ाई करो। क्यों किचन में कहाँ भाग रहे हो? वैसे भी तुम किचन में इतना काम नहीं करते हो, कभी कभार चाय बना देते हो एक कप। क्या हुआ है? हाँ, किचन में क्यों भाग के आए हो? क्या हुआ है बताओ मुझे भी। मैं बोली हूँ ना कि बोर हो रहे हो बहुत ज्यादा तुम, कोई भी कम से कम 5 घंटे पढ़ाई किया करो। मिश्री, तुम्हारा जो वो है ना क्लास, उसके हिसाब से तुमको 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, और मम्मी 12 घंटे, मम्मी जिस हिसाब से तुम्हारा वो है ना, उस हिसाब से 24 घंटे काम करना रहना चाहिए मुझे। हाँ। मुझे मेरा काम बताओगे तुम लोग, मेरे से जो ज्यादा इस घर में कोई काम। ये क्या किया कृषि? दूध निकाल दे। तुम मेरे मग में क्यों पी रहे हो? ये मेरा मग है यार, ये मेरा मग है यार, प्लास्टिक का मग है, मत पियो यार। हाँ, पैर नीचे करो कृषि, शुरू हो गया फिर आराम तलबी। मम्मा ये देखो पुष्पा। अरे हाँ, इसका एक सॉन्ग बहुत हिट हुआ है ना, कौन सा? सामी। हाँ, अरे ये क्या है? एक और चला है। ओ अंटा मामा, ओ अंटा मामा, मामा तू।
गाइस अभी हो गए हैं शाम के 5:30 और मैं जा रही हूँ छत पर से कपड़े लेने के लिए बिकॉज बेटी अभी अभी आई है कोचिंग से, तो वो बहुत थकी हुई है और कोई शूट करने वाला भी नहीं था. और ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा कोई मेरे पास शूट करने के लिए, तो मैं खुद से ही शूट करने लगी. और देखिए किस तरह से मैं मिरर का यूज़ करते हुए आराम से शूट कर रही हूँ. और कपड़ों का ढेर लेकर आऊँगी, उन्हें फोल्ड करूँगी. अब हो गई है शाम, तो मैं छत पे कैमरा लेकर के नहीं जा सकती हूँ, उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं होगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा. और बस उसके बाद से आपसे मिलती हूँ. गाइस कपड़े लेकर के आ चुकी हूँ और अब ये है मेरे कपड़ों का ढेर. अब मैं जा रही हूँ इन्हें फोल्ड करने के लिए और सारे कपड़े फोल्ड कर दूँगी. फोल्ड करने के बाद से फिर जाके डिनर की तैयारी करूँगी. और गाइस आपसे एक बात करनी थी, बात ये थी कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. मतलब ये ईजी नहीं है कि आप पूरे घर का काम देखो एज अ हाउस वाइफ, उसके बाद से व्लॉगिंग करो, फिर एडिटिंग करो. इजी नहीं है, जो भी करता है उसे सैल्यूट है. और मैं अपने खुद के लिए भी कहती हूँ कि मुझे भी सैल्यूट है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ. आप एक बात बताओ ना कि जो भी फीमेल्स यूट्यूबर होती हैं उनको लोग ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, स्पेशली जो कि मतलब मैरिड होती हैं और उनकी फैमिली होती है, उनको उतना प्रमोशन नहीं मिलता है. लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे, उन्हें प्रमोट करेंगे, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी. क्योंकि सिंगल को तो सभी प्रमोट करते हैं, मे बी आई थिंक सभी प्रमोट करते हैं और सब्सक्राइब भी कर देते हैं, मगर एक फीमेल जो कि मैरिड होती है उसको प्रमोट करने में आप लोग पता नहीं क्यों इतना हिचकते हो, बहुत ज़्यादा हिचकते हो. आपको पता नहीं है कि उनके इस काम में उनकी कितनी मेहनत होती है, उनको सबका ख्याल रखना होता है, सबकी देखभाल करनी होती है. बूढ़े बुजुर्ग घर में होते हैं, फैमिली में हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, सबका ख्याल रखते हुए घर का हर काम करते हुए वो ब्लॉगिंग करती हैं. और ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत. और रात के टाइम ना फैमिली के लोग खुश नहीं होते हैं जब आप एडिटिंग करने बैठते हो, तो सबको पसंद नहीं आता है. मगर फिर भी कान में ईयरफोन लगा करके बैठ करके और मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं एडिटिंग करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ देखिए और लाइक कीजिए पसंद आए तो. और किसी भी मतलब औरत को आप प्रमोट कीजिए, उसे आप दिल से जो है ब्लेस करिए, क्योंकि उनकी बहुत सारी मेहनत लगती है उसमें, बहुत सारी गाइस. और कपड़ा है छत पे, ड्यूटी से आ गए. हां छत पे कपड़ा है, क्या कर रहे हैं? कपड़ा ही तो फोल्ड कर रहे हैं ना, छत पे ही है. कौन कौन आया है? सब लोग ना आए, बस कृषि नहीं ना आया. कहां है? ये कौन सा क्वेश्चन है? नहीं ना आया, उसका मन नहीं था. कह रहा है कि कल 26 जनवरी है और देश आजाद हो, कल ही मैं नहाऊंगा. तो मोटा है तुम्हें? ये आप क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं? देखिए जब आप आते हैं ना, आपको क्या पूछना चाहिए? मुनी हाउ वाज द डे? अच्छा, डिड यू टेक योर डाइट प्रॉपरली? ये सब थोड़ा अच्छे से, और अच्छे से सोई, थोड़ी नींद ली कि नहीं ली, थकान हो गई होगी, ठंडा लग रहा है कि नहीं? ठंड तो मुझे बहुत ज्यादा लगती है, तो आप जानते हैं ठंडा तो बहुत है, मौसम बहुत ठंडा है. बहुत ठंडा, थोड़ा अच्छे से बात किया कि नहाए कि नहीं नहाए, तो सब लोग नहाए थे कि नहीं नहाए थे, कपड़ा ले आए कि नहीं. बस कपड़ा नहाने में ही रहता है ज्यादातर. आप किसमें रहे? कल मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगी गाइस ये नहाते कैसे, मतलब इनका नहाना नहीं, आप मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि प्रॉपर ड्रेस में नहीं होंगे, मगर ये नहाते वक्त कितना गाना गाते हैं ना, कितना इरिटेट करने वाला गाना, वो मैं आपको दिखाऊंगी. सो गाइस मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी और सारी सब्जी वब्जी देखिए मैंने कट कर ली है बहुत सारी. मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, तो आपको तो पता ही है उसमें कितनी सारी सब्जियां लगती हैं, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ. और ब्लॉग को यही एंड करना चाहती हूँ क्योंकि अब इसके आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारा काम है अभी मुझे. तो ब्लॉग को यही एंड करती हूँ गाइस. कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. खुश रहिए, पॉजिटिविटी बांटते रहिए, इस तरह की पॉजिटिविटी. एंड बाय बाय.